दोस्तों, मैं सुजीत कुमार सिंह एडवांस एक्सेल ट्रेनिंग सेंटर से आपका स्वागत करता हूं हमारे इस यूट्यूब वीडियो ट्यूटोरियल में, जहां आप सीखते हैं कंप्लीट एडवांस एक्सेल। तो दोस्तों, आज मैं आपके साथ बातचीत करने वाला हूं अनपिवट एक्सेल डेटा। जी हां, अनपिवट एक्सेल डेटा के बारे में मैं डिस्कस करूंगा। जैसे कि आपके सामने देख रहे हैं कि मेरे पास एक मैट्रिक्स फॉर्म में डेटा है, उसमें नेम है एंड यहाँ पे मंथ है। यहाँ पे डेट भी हो सकती है और भी चीज़ें हो सकती है, बट मुझे डेटा इस फॉर्मेट पे नहीं चाहिए, क्योंकि मुझे एनालिसिस करने में, कंपेयरिंग करने में दिक्कत होती है। तो मुझे इसको डेटा चाहिए कुछ इस फॉर्मेट में, किसी और जगह पे, जैसे कि नेम, मंथ एंड यहाँ पे सेल्स या जो भी फिगर का है वो। तो अगर मैं मैनुअल करने जाऊँ तो मुझे वन बाय वन कॉपी पेस्ट करना पड़ेगा, इस तरह से कि जैन को लिया और हमने यहाँ पर डाला, फिर वापस जैन के सेल्स को लिया एंड जैन के सेल्स को वापस यहाँ डाला। अगेन फिर मैं नेम को उठाऊंगा, फिर इसके नीचे पेस्ट करूंगा, जैन फैब उठा के नीचे पेस्ट करूंगा, फिर इसकी सेल्स उठा के पेस्ट करूंगा। यही चीज़ मुझे 12 महीने के लिए, या फिर अगर आपके पास डेट वाइज हो तो पूरे मंथ या पूरे क्वार्टर के लिए कर सकते हैं। तो मुझे इसको अनपिवट करना है, तो सबसे पहले तो मैं इसको टेबल फॉर्मेट में कन्वर्ट कर देता हूँ। टेबल जरूरी नहीं है, अगर डिफरेंट फाइलें जरूरी नहीं है, आपको जाना है यहाँ पे डेटा मेनू बार में, और डेटा मेनू बार में यहाँ आपके सामने दिखेगा फ्रॉम टेबल रेंज। जी हाँ, फ्रॉम अदर क्यूरीज में फ्रॉम टेबल रेंज। अगर किसी फाइल दूसरे किसी और फाइल में करना चाहते हैं तो वर्कबुक करना पड़ेगा, सेम फाइल में करना है तो यहाँ पे फ्रॉम टेबल रेंज पे क्लिक करते हैं। बेसिकली इस चीज़ के लिए हम यूज करेंगे पावर क्यूरी। जी हाँ, इसके लिए यूज करेंगे हम पावर क्यूरी। ये आपके सामने आ गया। अब जो आपका बेस है, मतलब कि नेम के अकॉर्डिंग जिस जिस कॉलम को तोड़ के रो में लाना है, उस कॉलम को आपको सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट कर लिया, उसके बाद आप यहाँ ट्रांसफॉर्म में आते हैं, तो ट्रांसफॉर्म में आपको दिखेगा यहाँ पे अनपिवट कॉलम। ध्यान रखिएगा, मैंने नेम को सिलेक्ट नहीं किया है, हमने सिर्फ जैन को सिलेक्ट किया है। अनपिवट कॉलम, हमने अनपिवट कॉलम को सिलेक्ट किया, और देखिए यहाँ पे आपके नेम हो गए, यहाँ एट्रीब्यूट हो गया और से वैल्यू हो गई। अब इस फील्ड को चेंज कर सकते हैं, जैसे मुझे चाहिए इसको, मुझे डबल क्लिक कीजिए और इसको हम मंथ में कन्वर्ट करते हैं, और फिर वैल्यू हम यहाँ वैल्यू में हम इसको कर देते हैं सेल्स। उसके बाद हम इसको यूज या फिर होम पे आते हैं, लोड एंड क्लोज भी कर सकते हैं, लोड एंड क्लोज कर दिया, एक नए टेबल में आपके सामने आ गया। अब क्वेश्चन आता है, क्या मेरे डेटा से डेटा से अपने आप को अपडेट करता है या नहीं करता है। जैसे मान लीजिए मैं पूजा जनवरी में 100 की जगह पे 60 कर दिया, तो यहाँ पे पूजा जनवरी में 10 के जगह पे 60 हो गई कर दिया है मैंने, तो इसको जस्ट आपको रिफ्रेश करना है, ये डेटा आपका अपडेट होगा। तो सिर्फ ये अनपिवट ही नहीं करेगा, आपके उस डेटा से अपने आप को लिंक भी करेगा। तो ये थी टॉपिक हमारी अनपिवट डेटा की। ये पावर क्यूरी में है, और पावर क्यूरी में आपको जो है इसको लेटेस्ट जो एक्सेल है उसमें मिलेगा। और इसी तरह की वीडियो सीक्वेंस के लिए, वीडियोस के लिए मेरे चैनल पर बने रहें, और सीक्वेंसली वीडियो चाहिए तो आप मेरा मोबाइल ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। मेरे मोबाइल ऐप डाउनलोड करने के लिए इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, या फिर प्ले स्टोर पर जाइए और सर्च कीजिए एक्सेल एमआईएस ट्रेनिंग। जी हाँ, एक्सेल एमआईएस ट्रेनिंग, आपको मेरे वीडियोज़ का लिंक मिल जाएगा। थैंक यू।